इंडियन साइक्रियाटिक सोसाइटी और गौतम हॉस्पिटल एवं इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज जयपुर के तत्वाधान में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें देश भर के मनोचिकित्सकों के लिए नई क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस पर चर्चा हुई इस कार्यशाला का उद्घाटन आज सुबह एक निजी होटल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा किया गया इस वर्ष की गाइडलाइंस का मुख्य विषय मनोव्याधियों में बेहतर अनुभूति के लिए आंकलन व उपचार है कार्यशाला में देश भर से 50 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया और अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए डॉक्टर शिव गौतम जो कि इस समिति के अध्यक्ष भी है उन्होंने बताया कि इस दस्तावेज का उद्देश्य सभी मनोचिकित्सकों को एक गाइडलाइन प्रदान करना है ताकि वे मानसिक रोगों को बेहतर तरीके से उपचार कर सके इंडियन साइकोट्रिक सोसाइटी एवं गौतम हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेस के संयुक्त तत्वावधान में आज दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है so, इसमें देश भर के सत्तर मनोचिकित्सक जो कि विशेषज्ञ हैं अपने अपने क्षेत्रों में भाग ले रहे हैं और इस कार्यशाला में न्यूरो डिसऑर्डर्स न्यूरोसाइकेटिक डिसऑर्डर्स में कॉग्निशन कैसे इम्प्रूव किया जाए यानी मानसिक so, रोगियों को जो अनुभूति होती है उसमें किस तरह से बेहतरी करी जाए इस विषय पर पंद्रह विषयों पर अलग अलग विषयों पर व्याख्यान और विचार मंथन हो रहा है इस वर्कशॉप के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट बनेंगे उन डॉक्यूमेंट्स का संकलन करके क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस की पुस्तक बनाई जा रही है जो कि इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री के जनवरी 25 के इशू के साथ देश भर के सभी मनोचिकित्सकों को की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस अवसर पर भरते मनोविकारों के प्रति चिंता व्यक्त की और देश में मनोचिकित्सकों की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया उन्होंने इस स्थिति को गंभीर बताया और क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया जो मनोचिकित्सकों को सही दिशा में उपचार करने में सहायता प्रदान करेगा डेनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस उस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंडियन सेकेटिक सोसाइटी प्रिपेयर करती है जिससे कि हम पूरे भारत में जितने भी सकेटिक के प्रैक्टिशनर्स हैं उनको हम एक तरह का गाइडेंस प्रोवाइड कर सके कि हर एक मानसिक बीमारी का किस तरह से इलाज करना है एक बेसिक आउटलाइन हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं जिससे कि लोगों को ये सारे जितने प्रैक्टिसिंग साइकैट्रिस्ट हैं या जितने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनर हैं उनको एक गाइडेंस मिल सके कि हमें क्या किस तरह का एक बेसिक केयर प्रोवाइड करना है इससे हम पूरी कंट्री में एक स्टैंडर्डाइज केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं आम आदमी की अवेयरनेस के लिए भी हम काफ़ी प्रोग्राम करते हैं हमारी सोसाइटी जितने भी पूरे देश में जब भी दिव, दिव, अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं जैसे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी दिवस मनाए जाते हैं तो इंडियन साकेटिक सोसाइटी उसमें आम आदमी की अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम करती है इंडियन सकेटिक सोसाइटी के वेबसाइट पे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि आम आदमी एक्सेस कर सकता है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में देखिए बात यह है कि हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि जब भी किसी एक इंसान के स्वभाव में बदलाव आता है जब भी हमें लगे कि उसका स्वभाव में किसी भी तरह का नॉर्मल से वो अलग तरह से व्यवहार कर रहा है जैसे कि सिंपल सी बात है कि वो दूसरों से अलग अलग रहना शुरू कर दे लोगों से मिलना जुलना कम कर दे उसका पढ़ाई में मन कम लगने लगे या वो किसी भी तरह का अगर आपको बताता है कि मेरे में इस तरह के मन में इस तरह की भावनाएं आ रही हैं कि अपने आपको नुकसान पहुंचा दो या घर छोड़ कर चला जाऊं हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए और इमीडिएटली मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास लेके जाना चाहिए इवेल्युएट करवाना चाहिए ये सबसे जरूरी है कोई भी व्यवहार के बदलाव को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए